हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास के नोटिफिकेशन, ये सभी आपको समय से मिल पाएँ। ये दोस्तों आपकी 12 बजे वाली क्लास है, जिसमें रीजनिंग आप लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का लाइव सेशन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रखा है और डेली क्लास होती है इसी टाइम पे ही 12 बजे। और इसकी परीक्षा तिथि देखिए घोषित कर दी गई है, यूपी बीएड की 18 जुलाई को आपकी परीक्षा होनी है। हालांकि समय आपके पास सफिशिएंट है, तैयारी करवा चुके हैं और प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत अच्छे से चल रही है, और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी जुड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कवर कर लोगे और अच्छे नंबर भी गेन कर पाओगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आज के सेशन में जो प्रश्न लिए गए हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक अगर कोई भी आपको लगता है कि हमने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिन जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैंने कवर करवा दिए हैं, सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लगभग 30 वीडियो के आसपास होंगे, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसका। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट गोप्ट पोस्ट ऑफिशियल के नेम से। चलिए शुरू कर लेते हैं। सभी प्यारे भाई बहन अगर तैयार हैं तो एक बार कॉमेंट सेशन में यस कर दीजिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार फटाफट से कॉमेंट में यस करिए, जिससे कि जानकारी हो पाए आप सभी लोग एक्टिव हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करेंगे। कह रहा है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो कह रहा उसी भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, फटाफट से आंसर देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देंगे। देखो हम यहाँ पर इसको समझा दे रहे हैं, बी यू आई एल डी ई आर इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कर क्या रहा है कि पहले के 3 अक्षर लेता है और इन 3 अक्षर को लेकर के +1 +1 करेगा। ध्यान देना, +1 कैसे करता है, ऐसे ऐसे +1 करता है। ठीक है, तो आई में अगर +1 करेगा तो दोस्तों बनेगा जे, यू में +1 करेगा तो क्या बनेगा वी, और बी में +1 करेगा तो बनेगा सी। इस प्रकार से यही तो बन रहा है, आप यहाँ पर देखिए यही तो बन रहा है, ये बन रहा है ना। इसके बाद में क्या कर रहा है, इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो L में +1 करेगा, नहीं L में -1 करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो L में जब -1 करेगा तो यहाँ पे K बन जाएगा। ठीक है, फिर डी ई आर है तो D में +1 कर रहा है, E में +1 और R में +1 कर रहा है। तो किस प्रकार से यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, तो R में +1 करेगा S बनेगा, E में +1 करेगा F बनेगा, और D में +1 करेगा तो यहाँ पे E बन जाएगा। इसी प्रकार से ही आप इसको सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से ही आगे जिसका पूछा गया है आपसे। चलिए पूछा किसका गया है, ध्यान दीजिए इसका, तो यहां पर क्या हो जाएगा बी एफ और ये एस के बाद क्या आता है, टी आता है, फिर यहां पर माइनस करोगे एल में तो यहां पर भी आपका के बन जाएगा। राइट, तो ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, जी, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एन के बाद ओ और L I दिया है तो I के बाद J आ जाता है। तो आप यहाँ पर मैच कर लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर D आपको मिल रहा है, बिल्कुल सही है ना सभी का। चलिए समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर कह रहा है पी क्यू आर एस टी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, केवल T से छोटा है। फिर से ध्यान दीजिए, पी क्यू आर एस टी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, क्यू केवल टी से छोटा है, क्यू केवल टी से छोटा है, समझ रहे हैं, क्यू केवल जो है टी से छोटा है। उसके बाद इसने बोला है और एस पी तथा क्यू से छोटा है, पी तथा क्यू से छोटा कौन है, एस छोटा है। तो कह रहा है कि उन सभी में सबसे छोटा कौन है, उन सभी में सबसे छोटा कौन है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, इनमें सबसे छोटा कौन आएगा, यहाँ पर साफ साफ इसने पहले ही बोल दिया कि जो T है वो Q से बड़ा है, मतलब Q केवल T से छोटा है, और S P तथा Q से छोटा है, तो उन सभी में सबसे छोटा कौन है। तो प्रश्न में ये स्पष्ट नहीं है कि S और R में, ये कंफर्म नहीं है कि S और R में कौन छोटा है,
ठीक, क्योंकि आर की तो कोई बात ही नहीं की, कोई जिक्र नहीं किया है, तो दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, किसी निश्चित कूट भाषा में मंडे इज अ होली डे, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, दे इंजॉय अ होली डे, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपसे कह रहा है बताइए मंडे का कोड क्या है, उसी कूट भाषा में मंडे को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे आप, बहुत ही आसान है। अब आप ऊपर देखिए, हॉलीडे हॉलीडे मिल गया, ठीक है, ए मिल गया, ए मिल गया, तो दोनों के जो कोड दिए गए उसमें उनके कोड भी समान होंगे, बराबर होंगे, है ना, एक जैसे ही होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कोड, ये एन ए और ये एन ए, ठीक है। और आपको क्या मिल गया यहाँ पर, ये मिला डी ए और डी ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो है अ हॉलीडे और अ हॉलीडे, मतलब दो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं जो कि समान होंगे दोनों सेंटेंस में, और इनके दो कोड भी, राइट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मंडे का क्या कोड हो सकता है, तो मंडे का कोड क्या हो सकता है, मंडे का कोड या तो ऐसे होगा या फिर आपका दोस्तों पीए होगा, क्योंकि यही बचा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सी करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही दोनों बचे हुए हैं, मंडे और इज भी बचा हुआ है, तो जब दो वर्ड बचे हुए हैं तो यहाँ पर कोड भी दो बचे हुए हैं, तो मंडे के लिए देखा जाएगा तो इसमें एक कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एक ही कोड बच रहा होता तो वो मंडे के लिए एग्जैक्टली वो मंडे का ही कोड होता, लेकिन यहाँ पर दो कोड बच रहे हैं, तो ऐसे और पीए जो कि मंडे का कोड हो सकते हैं, ठीक है, मतलब होंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, फोर्थ नंबर पे आ जाइए। फोर्थ में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसे कैसे लिखेंगे आप बताइए फटाफट से। कोड यहाँ पर दिया गया उसी का ही यूज़ करके यहाँ पर कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एस के लिए आप यहाँ पर देखिएगा, एस के लिए क्या है कोड, डॉलर साइन है, डॉलर साइन कर लिया। ए के लिए कोड यहाँ पर देखेंगे फोर है, फोर कर लिया आपने, ठीक है ना। और उसके बाद में एम के लिए कोड देखेंगे तो एम के लिए कोड यहाँ पर सिक्स हो जाएगा। ई के लिए कोड यहाँ पर देखिए तो आपको हैज मिल जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए कोई ऐसा मिल रहा है क्या, ई नहीं नहीं सॉरी, ई के लिए तो यहाँ पर ऐट द रेट हैज का, ऐट द रेट, ठीक ठीक ठीक, अभी ठीक है, अभी ये सही है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी मिल रहा है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको ओरली करेंगे जैसे बताया गया है। अमित ने मोहन से कहा, वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के दो भाइयों में से छोटा वाला है। वह लाल कमीज वाला लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित है, पिता होगा, चाचा होगा, भाई होगा, भतीजा होगा। अमित ने मोहन से कहा, वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरे पिताजी की पत्नी यानी उसकी माँ की पुत्री यानी उसकी बहन के दो भाइयों में से छोटा वाला है, ठीक है। तो वह लाल कमीज वाला लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित होगा, तो भाई होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप क्या करोगे, सी करेक्ट करोगे। 11 नंबर पे ध्यान दीजिए, अमित के पिता की पत्नी की पुत्री अर्थात अमित की बहन और वह लाल कमीज वाला लड़का अमित की बहन का भाई, ठीक है, तो अमित का भी भाई हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा 12वां नंबर है, कह रहा 12 से 14 में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करिए। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, ईंधन है, तो इस इनके कैटेगरी वाला कौन सा होगा, तो यहाँ सभी खनिज तेलों का समूह है, पेट्रोल भी एक खनिज तेल है, तो पेट्रोल भी यहाँ पर एक खनिज तेल हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन, आंसर दीजिए फटाफट से, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बीच में अंतर निकालोगे तो आपको मिलेगा 25, इसके बीच में अंतर निकालोगे तो आपको मिलेगा 50, इसके बीच में अंतर आपने निकाला तो यहाँ पर मिला 75, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 25-25 क्रमागत बढ़ता जा रहा है, तो आगे अंतर क्या हो जाएगा, मतलब हमें कितना प्लस करना होगा कि हमें आगे संख्या मिल जाए, तो आगे हम लोग 100 प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे यहाँ पे 100, अगर 255 में 100 प्लस कर दिया तो हमें 355 मिलेगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 355 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 14 नंबर, यहाँ पे राइट आंसर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एम आपका 13वें नंबर पे आता है, एस आपका 19वें नंबर पे आता है, यहाँ पे क्या कर रहा है प्लस 6 कर रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या कर रहा है प्लस 6 कर रहा है, क्योंकि ये 25वें नंबर पे आता है, तो प्लस 6 अगर वाई में करेगा
तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो पाँचवें स्थान पे आता है ईबीसीडी में, कौन आता है पाँचवें स्थान पे, ई। अब ई से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहा, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगता है तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो को पहुँचाया जा सके, और भी लोग जुड़ पाए और कंपटीशन अच्छा हो पाए। फटाफट से आंसर दीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्रमागत लगाओगे तो ये पहले नंबर पे आएगी स्पेलिंग, दूसरे नंबर पे ये आएगी, तीसरे नंबर पे आपकी फैकल्टी 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 तीसरे नंबर पे आएगी, उसके बाद में ये चौथे नंबर पे। तो आपसे कहा था इसको व्यवस्थित करिए, व्यवस्थित करेंगे तो पहला वाला पहले नंबर पे है, ये चौथा वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 16 नंबर है, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो कह रहा इसको कैसे लिखेंगे आप, जैसे ये लिखा गया है वैसे इसको भी लिख देंगे, करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लस वन कर रहा है, कैसे आप देखिए, एस में प्लस वन किया टी, यू में प्लस वन किया वी, एन में प्लस वन किया, मतलब विपरीत क्रम से उठा रहा प्लस वन करके, ठीक है। ई में प्लस वन किया एफ, वी में प्लस वन किया डब्ल्यू, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर वाई में प्लस वन करेगा तो जेड मिलेगा, ठीक है। वाई में प्लस वन किया जेड, एल में प्लस वन किया तो एम, आई में जे, एम में एन, ए में बी, एफ में जी। तो इस प्रकार से बन गया ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 17 से 19 दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताएंगे। चलिए यहाँ पर इसने प्लस वन किया और यहाँ पर भी क्या किया है, प्लस वन किया है, तो आप यहाँ पर कर लो, पी में प्लस वन करोगे क्या बन जाएगा, क्यू, आर में करोगे एस बन जाएगा, क्यू एस यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है, एड्स एक वायरस है, मलेरिया प्रोटोजोआ है, अभी किया था ना आप लोगों ने, चलिए ऑप्शन नंबर ई राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ई के लिए अपोजिट अक्षर क्या है, वी, डी के लिए अपोजिट अक्षर क्या होगा, डब्ल्यू, तो राइट आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ये। तो ये सब आपको आने चाहिए, जैसे ए का अपोजिट अक्षर क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, वाई होता है, ठीक है, एस का अपोजिट अक्षर क्या होता है, एच होता है, ठीक है, जी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, तो टी होता है, जे का अपोजिट अक्षर क्या होता है, क्यू, ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। हमने एक इसका वीडियो होम पेज में जाएंगे तो इसी का ही केवल वीडियो आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर आ जाइए, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द है जो कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ये जो दिए गए शब्द हैं इस वर्ड में, इस शब्द में दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि विकल्प है। चलिए 20 पे बताएंगे फटाफट से, डिक्लेयर ऑप्शन नंबर आपका डी, ये नहीं बनाया जा सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, ई की आवश्यकता है दो बार और यहां पर हमारे पास जो ई है ओनली वन टाइम है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, कह रहा नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द है जो कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया, सॉरी बनाया जा सकता है, यहाँ दिए गए शब्दों में अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसमें दिए गए जितने भी अक्षर हैं इस शब्द में उनका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, 21 पर राइट आंसर क्या करेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषम शब्द अक्षर संख्या है, चुनिए फटाफट से, 22 पे राइट आंसर बताएंगे। चलिए आंसर दीजिए 22 पे, जिसको जो पूछना कमेंट सेशन में आप पूछ लीजिएगा, कमेंट करके जब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाए, या फिर आप फेसबुक पेज पे जाकर के टारगेट गोफ्ट पोस्ट पे जाकर के इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। 22 पे राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, बाकी अन्य सभी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, ई के लिए विपरीत अक्षर बी होता है, जी के लिए टी होता है, जे के लिए क्यू होता है, लेकिन पी के लिए एल नहीं होता, पी के लिए क्या होता है, के होता है, पी के लिए एल नहीं होता, पी के लिए के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 24 नंबर, फटाफट से आंसर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि इनका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये चार अंकों की संख्या दी गई, तो दो अंकों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमें दो अंक मिल जाएंगे, 12। जैसे यहाँ पर चार और पाँच का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मिल गया 20, 6-7 का मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 42, लेकिन यहाँ पर 2-3 का मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलता है, 6, तो 6 आना चाहिए, 8 आ रहा है इसलिए गलत हो गया, तो ये ऑड वन ऑप्शन हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर ए करेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन ये रहा बेनारिक वाला है, इसमें आपसे पूछ रहा है बताइए
कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यूरोप, इटली, दिल्ली, रोम। तो यहाँ पर यूरोप, इटली, दिल्ली, रोम में सही कौन सा होगा? भैया यूरोप के अंदर कौन है? इटली है। उसके अंदर कौन है? रोम है, लेकिन दिल्ली अलग है। तो राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और नहीं आते हैं तो प्लेट्स पे जाकर के आप टॉपिक बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। 26 में कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा, एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा, वह मेरे पिता का नाती है। सिया ने क्या कहा? वह मेरे पिता का नाती है, ठीक है। तो मेरी बहन, मेरी कोई बहन या भाई नहीं है, ठीक है। तो सिया लड़के से कैसे संबंधित है? तो सिया उस लड़के की माँ होगी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 27 नंबर। इसमें क्या कह रहा है भाई? ए का अर्थ क्या है? जोड़ना। सी का अर्थ क्या है? भाग। डी का अर्थ गुणा है। बी का अर्थ घटाना है। तो इस इक्वेशन की वैल्यू निकालिए, फिर फटाफट से सॉल्व करिए, आंसर बताइए 27 पे। चलिए करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? भाग, भाग लगा दो यहाँ पे। डी का मतलब क्या है? गुणा, गुणा कर दिया। बी का मतलब क्या है? घटाना, घटाना कर दिया। ए का मतलब क्या है? जोड़ना, जोड़ना कर दिया, ठीक है। सी का मतलब भाग है, भाग लगा हुआ यहाँ पे। और ए का मतलब क्या है यहाँ पे? जोड़, तो जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो पहले भाग करते हैं ना बॉड मास में। बॉड मास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बॉड मास पहले भाग करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 972 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, यहाँ पर 6 हो गया, प्लस ये डिवाइड कर दीजिए 2 से 10 को, तो 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, ये 16 हो गया, 16 माइनस 6, और ये इधर 10 बन गया। तो यहाँ से माइनस कर दोगे, 10 बचेगा, 16 से 6 जाएगा 10, और ये 10 कितना हो गया? 20 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितना आंसर आ गया? 20, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। 28 पर राइट आंसर बताएंगे, इस श्रृंखला को, अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, कौन सा विकल्प समूह सही होगा? 28 पर राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर भैया चार चार का पेयर बना लीजिए इस प्रकार से, ऐसे ऐसे चार चार का। तो यहाँ पर बी ए बी सी है, तो यहाँ पर आपने बी सी कर लिया, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? सी ए मिल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है? पेयर में सी होगा, यहाँ पर डबल सी पेयर बन जाएगा, बी सी सी ए। इस प्रकार से सभी में कंप्लीट कर लो। यहाँ पर बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा, यहाँ पर बी आएगा, और लास्ट में ए आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। आपने क्या क्या फिलअप किया? बी सी सी, फिर बी ए सी। अब मैच कर लो, ये कहाँ पर दिया आपको? ये दिया ऑप्शन नंबर सी में, सी बिल्कुल सही है। एक पेयर हमारा जो है चार अक्षर वाला ही बन रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, 29 नंबर है, उम्मीदें समझ में आ गया होगा। 29 पे फटाफट से आंसर देंगे स्पीड में। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको अंक दिए गए हैं इनका आप क्या कर लो? एडिशन कर लो, 3 में 8 को जोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद में मल्टीप्लाई लगाओ और इन दोनों का एडिशन कर लो, 1.1+5। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 11 × 6, तो यहाँ पर मिलेगा 66, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाओ, ये भी 11 बन जाएगा, और 9 × 3 क्या हो जाएगा? सॉरी, 9 × 3 कह रहे हैं, 6 × 3 9 हो जाएगा, ठीक है। कुछ गणित ज़्यादा ही आगे पहुँच जाती है कैलकुलेशन। यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 88 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 30 नंबर। यहाँ पर कह रहा है ए बराबर 1, लुक और की के बीच का अंतर क्या है? लो भाई, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए का स्थान पहले नंबर पे आता है। अब इसका पूरा हमें निकालना पड़ेगा और इसका पूरा निकालना पड़ेगा, तभी अंतर निकाल पाएंगे। कैसे निकालोगे भाई? एल प्लस ओ प्लस सी प्लस के, ऐसे करके। तो एल कितने नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे। ओ 15वें नंबर पे। सी 3रे नंबर पे। के 11वें नंबर पे, ठीक है। तो इसका योग निकाला आपने, कितना आ गया यहाँ पे? इसका योग आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा? 41। इसी प्रकार से यहाँ पर आपने के ई वाई ले लिया, के 11वें नंबर पे, ई 5वें नंबर पे, वाई 25वें नंबर पे। यहाँ पर जोड़ोगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। अब इनके बीच का अंतर आपको तो जीरो मिल रहा ना, शून्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है बताइए 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में क्यू बाएँ से, क्यू जो है वो बाएँ से 14वें स्थान पर है, और M, Q और M के बीच में 16 विद्यार्थी हैं। मतलब Q और M के बीच में कितने विद्यार्थी हो गए? 16 विद्यार्थी हो गए।
बीच में बोला है, पंक्ति से क्यू और एम के बीच में, मतलब क्यू यहाँ पर है, इधर क्यू कर लो, क्यू और ये एम, ठीक है। और इसने ये बोला हुआ है कि पंक्ति के दाएं सिरे से एम की स्थिति क्या है, ठीक है, यहाँ से एम की स्थिति क्या है। टोटल विद्यार्थी तो भी पता है ना, मैं कितने हैं, 40 हैं। अब एक काम कर लो, 14 ये होगा इधर, क्यू का 14वां स्थान है, 14 16, 14 16 कितना हो गया, मतलब आप यहाँ पर एक काम कर लो, 40 से माइनस कर दो 14 प्लस 16 को, तो 14 प्लस 16 कितना हो गया, ये 30 हो गया, और माइनस करोगे तो आएगा 10। अब यहाँ पर जो 10 आया हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है आपका, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सेशन का, इसके आगे की PDF नहीं बन पाई है, तो इतने ही क्वेश्चन आज के लिए रखेंगे, उसके बाद में हम लोग 2 बजे वाले लाइव सेशन मिलेंगे, साइंस और मैथ करेंगे, ठीक है। और फिर और बढ़िया से बेहतरीन प्रैक्टिस आपको करनी है, मैक्सिमम हिंदी के क्वेश्चन करने हैं, तो शाम को 8 बजे वाली लाइव सेशन ज्वाइन करिए, और 9 बजे से रीजनिंग की लाइव सेशन ज्वाइन करिए बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए। चलिए इसको, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है सफ़ेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ लाल है, और लाल का अर्थ क्या है, नीला है, नीले का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ ग्रे है, निम्न में से आकाश का रंग, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, आंसर बताइए फटाक से। आकाश का रंग नीला होता है, नीले का अर्थ क्या है, पीला, तो राइट आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी, पीला, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आएगा, तो भाई जाते जाते सेशन को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, मिलते हैं सेशन में, अपने ख्याल रखिए, जय हिंद।